बच्चों, आज मैं आपको जलवायु का वर्गीकरण बताऊंगी। एशिया महाद्वीप ग्लोब के लगभग 1/4 भाग में फैला हुआ है, अतः इस विशाल महाद्वीप में जलवायु में विभिन्नता पाई जाती है। एक विद्वान ने लिखा है, प्राय सभी प्रकार की जलवायु एशिया महाद्वीप में पाई जाती है। इस प्रकार इस महाद्वीप की क्षेत्रीय विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर यहाँ की जलवायु का वर्गीकरण अनेक जलवायुविदों ने किया। विश्व स्तर पर जलवायु वर्गीकरण इन विद्वानों ने अनेक प्रतीकों का प्रयोग किया, जिसके आधार पर एशिया की जलवायु का वर्गीकरण किया गया। जैसे कोपन का जलवायु वर्गीकरण, थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण, तिवार्ता का जलवायु वर्गीकरण, एल डब्ल्यू लाइट का जलवायु वर्गीकरण, एल डंडले स्टाम का जलवायु वर्गीकरण और सामान्य जलवायु वर्गीकरण। आज मैं आपको कोपेन का जलवायु वर्गीकरण बताऊंगी। रूसी मूल में जर्मन जलवायुविद कोपेन ने 1936 में एशिया की जलवायु का संशोधित वर्गीकरण प्रस्तुत किया। कोपेन ने एशिया महाद्वीप को 5 प्रधान जलवायु मंडल में और 11 उप जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया। कोपेन ने अपने वृहत जलवायु क्षेत्रों में विभाजन का आधार वर्षा और तापक्रम की मात्रा को बताया। नंबर 1, उष्ण आर्द्र जलवायु क्षेत्र। इस प्रकार की जलवायु में न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस तथा अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के मध्य में रहता है। वर्षा का औसत 200 सेंटीमीटर वार्षिक से भी अधिक रहता है। इस प्रकार की जलवायु भारत के पश्चिमी तट तथा दक्षिण पूर्व एशिया में पाई जाती है। कोपेन के इस जलवायु प्रदेश को 2 उप जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे उष्ण आर्द्र जलवायु। इस प्रकार के जलवायु प्रदेश में वर्ष भर में वर्षा होती है। सवाना तुल्य जलवायु। इस प्रकार की जलवायु प्रदेश में शीतकाल में वर्षा नहीं होती एवं ग्रीष्मकाल में मानसूनों द्वारा वर्षा होती है। दूसरा है शुष्क जलवायु क्षेत्र, यानी ड्राई क्लाइमेट। इस प्रकार के जलवायु प्रदेश में शुष्क एवं कम वर्षा वाले क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। इस जलवायु प्रदेश को 2 उप विभागों में विभाजित कर सकते हैं, जैसे नंबर 1, स्टेपी तुल्य जलवायु। स्टेपी तुल्य जलवायु का विस्तार मध्य एशिया से साइबेरिया के विशाल भूखंडों पर पाया जाता है, जहाँ शीत ऋतु में अत्यधिक सर्दी एवं कम वर्षा तथा ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्मी एवं न्यून वर्षा के कारण छोटी छोटी स्टेपी घासें ही विकसित होती हैं। इसके बाद आता है मरुस्थली जलवायु। इस प्रकार की जलवायु उष्ण मरुस्थलों में पाई जाती है, जिसका विस्तार पश्चिम एशिया, थार का मरुस्थल एवं प्रायद्वीपीय तक है। इस जलवायु प्रदेश में वर्षा प्राय
अति न्यून होती है। उच्च शीतोष्ण आर्द्र जलवायु का क्षेत्र, इस प्रकार की जलवायु चीन, जापान, उत्तरी भारत एवं एशिया के पश्चिमी भागों में पाई जाती है। वर्षा वितरण के आधार पर इस प्रकार के जलवायु प्रदेश को 3 भागों में हम बांट सकते हैं, जैसे उष्ण शीतोष्ण जलवायु, शुष्क शीत ऋतु सहित। नंबर 2, उष्ण शीतोष्ण जलवायु, शुष्क ग्रीष्म ऋतु सहित। तीसरा है चीनी तुल्य जलवायु। अब आता है चौथा, उपध्रुवीय जलवायु क्षेत्र। इस प्रकार की जलवायु के प्रदेश साइबेरिया के उत्तरी भाग में और उत्तरी चीन में पाए जाते हैं। शीतकाल में वर्षा के आधार पर इसे 2 उपक्षेत्रों में हम विभाजित कर सकते हैं, जैसे नंबर 1, शीत शीतोष्ण आर्द्र शीत ऋतु। नंबर 2, शीत शीतोष्ण शुष्क शीत ऋतु। इसके बाद आता है ध्रुवीय जलवायु क्षेत्र। इस जलवायु प्रदेश का विस्तार साइबेरिया, उत्तरी साइबेरिया के उत्तरी छोर पर है। इस जलवायु प्रदेश में तापमान के आधार पर 2 जलवायु प्रदेश में विभाजित किया है, जैसे टुंडा तुल्य जलवायु, दूसरा हिमखंडित जलवायु। तो ये इस तरह थॉर्नवेट ने अपना जो जलवायु सॉरी कोपेन ने अपना इस तरह जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया। दूसरा, थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण। थॉर्नवेट ने अपने जलवायु वर्गीकरण में 2 तत्व मुख्य रूप से आधार माने, वो हैं वर्षा और तापमान। दोनों तत्वों को आधार मानकर उन्होंने विश्व की जलवायु को 120 प्रकारों में बांटा जा सकता है, उन्होंने कहा। लेकिन थॉर्नवेट ने विश्व को 32 जलवायु विभागों में बांटा। थॉर्नवेट के अनुसार एशिया केवल 21 प्रकार की जलवायु पाई जाती हैं। अंग्रेजी अक्षरों का प्रयोग द्वारा थॉर्नवेट ने जलवायु के तत्वों को निरूपित किया, जो इस प्रकार है, ए आर्द्र सदाबहार जंगल, बी सामान्य आर्द्र जंगल, सी कम आर्द्र घास के मैदान, डी अर्धशुष्क स्टेपी। ई शुष्क मरुस्थल, बी उपोषण, डी टैगा, एफ हिमखंडित, एस ग्रीष्मकालीन न्यून वर्षा, डी वर्ष भर न्यून वर्षा, फिर ए उष्ण, सी समशीतोष्ण, ई टुंडा, टी साल भर वर्षा, डब्लू शीतकालीन न्यून वर्षा। इसी आधार पर थॉर्नवेट ने एशिया महाद्वीप को 21 जलवायु विभागों में विभाजित किया, जैसे भूमध्य सागरीय वन प्रदेश, उपोषण आर्द्र वन प्रदेश, और उसके लिए तीसरा आर्द्र समशीतोष्ण वन प्रदेश, मानसूनी वन प्रदेश, उष्ण आर्द्र वन प्रदेश, यानी इस तरह उन्होंने 21 जलवायु विभागों में विभाजित किया। तो ये आज मैंने आपको कोपेन और थॉर्नवेट का
जलवायु वर्गीकरण बताया है। आगे के लेक्चर में मैं आपको अन्य विद्वान का वर्गीकरण बताऊंगी। धन्यवाद।